तो अभी निकल रहे हैं हम लोग सब जने, और रेडी हो गया हूँ मैं, साइकिल पे जाने वाला हूँ, और यहाँ से साईं बाबा मंदिर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर के लिए निकला हूँ। चलिए आप लोग को भी साथ में ले चलता हूँ शिरडी के साईं बाबा मंदिर। सो ये हमारे रूम से व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सामने गाड़ी खड़ी है, पार्किंग बहुत अच्छी है। अभी इनका कुछ काम चल रहा है, थोड़ा रोड पे भी आप देख रहे हो, थोड़ा सा अभी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाई है बिल्कुल। व्यू बहुत प्यारा है, और अगर मैं बात करूँ रूम्स की बात करूँ तो रूम्स भी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल है पहले, और 1 BHK के फ्लैट्स ही हैं पूरे। ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट बहुत कम देखा है हमारे यहाँ पे। ये पूरा बाहर का हॉल है यहाँ पे बाहर, फिर ये सामने देख रहे हैं राइट साइड पे किचन है, इधर वॉशरूम्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप पूरी फैमिली भी आते हो तो भी आप बहुत आराम से एडजस्ट हो सकते हो, एक ही ऐसे लगेगा जैसे घर पे ही हो आप। और ये जो है ये था, ये मेरा बेडरूम था यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत ही कोजी, बहुत ही अमेजिंग, साइड में किचन भी दिया हुआ है, अगर आप लोगों को कुछ बनाना है तो आप बना भी सकते हो। ये हॉल भी है यहाँ पे, तो ओवरऑल इतना अमेजिंग है। आप अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग यहाँ पे आके बिल्कुल स्टे कर सकते हैं। आप लोगों को इस होटल के बारे में तो मैंने बता दिया था हमारी लास्ट व्लॉग में, मैंने आपको बताया था कल कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि अभी मैं जाने वाला हूँ मंदिर, साईं बाबा मंदिर जा रहा हूँ, और यहाँ पे इस मनी होटल के जो ओनर हैं उनसे मुलाकात हुई। तो आप लोग सब जानते ही हैं इनको, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत मूवीज में काम किया उन्होंने, और अभी पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव है। और आज फॉर्चुनेटली मेरी भी मुलाकात हो गई। कल मैंने बहुत सुना है, जो इनके पूरे स्टाफ थे बार बार बोल रहे थे, बोले मैडम आएंगे कल, आप उनसे मुलाकात कीजिएगा, और फाइनली हमारी मुलाकात हो चुकी है, मैडम यहाँ आ चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनका होटल इज सुपर्ब। आप लोग कभी भी यहाँ पे आते हो बिल्कुल यहाँ आ जाओ, मनी के नाम से है, मनी होटल एंड रेस्टोरेंट। खाना भी बहुत स्वाद, हम लोगों ने यहीं पे खाना खाया, यहीं पे स्टे किया, इतना पीसफुल है। एक्चुअली मुंबई से बाहर निकलने के बाद में इतना जब पीस दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ओवर टू यू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बहुत और कांग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी जर्नी है इनकी, तो आप सब इनको सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लंबा जाना है और जिस तरह से वो साइकिलिंग करते जा रहे हैं वो क्रेडिटेबल है। सो कांग्रेचुलेशन, एंड ऐसा ये करेज हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई करता है तो ऐसा लगता है कि हमें भी करना चाहिए, थोड़े पतले हो जाएंगे। इसलिए कर रहा हूँ, और आप लोगों को पता है मेरा 6-7 साल से, बल्कि बहुत पहले से मेरा ये चल रहा है कि जब जैसे मैं वैनिटी लूंगा उसके बाद मैं ये ट्रिप जरूर करूंगा। तो ये वैनिटी मैंने अभी ली है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि आप कर ही लो। वेरी गुड, वेरी नाइस। और ओवर टू माय होटल रेस्टोरेंट मनी, मनी 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 मनी, नाम बड़ा प्यारा है मनी। हम सब क्या किसके लिए करते हैं जी? मनी के लिए। और मनी मतलब, पर मनी को देख के मत आओ, इधर आओ, मनी है ही नहीं, मतलब रूम के बाहर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को रूम्स दिखाए हैं सारे, पूरा 1 BHK का फ्लैट है, और इतना इकोनॉमिकल है मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, ऑल आर अमेजिंग। मनी का मतलब मनी नथिंग, मतलब आपके पास ऐसा बहुत ढेर सारा पैसा नहीं चाहिए आपको, बस पीनट चाहिए। मनी होटल एंड रेस्टोरेंट में आइए, शिरडी बाबा के दर्शन में जब भी आओगे तो ये दीपाली भोसले सैयद का ये मनी होटल एंड रेस्टोरेंट है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच कि इस व्लॉग में हमें शामिल करके लिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैडम से मुलाकात हो गई यहाँ पे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बताने से बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, और प्योर वेज है, कंप्लीट वेज, और किसी बाबा के पास आओगे तो वेज नहीं वेज ही आना है यहाँ पे। और एनवायरनमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है। मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ, बहुत दिनों बाद मैं एक्चुअली मैडम से बात कर रहा था, सैम मैम से, तो मैम मुझे बोल रहे थे कि नींद कैसी है, तो मैं उनको ये बता रहा था कि यहाँ पे नींद मुझे ना बहुत सालों बाद इतनी अच्छी नींद आई। आई डोंट नो, मतलब मैं जब सोया हूँ तो मैंने मैसेज करके भी उनको बोला, इतना प्यारा होटल है, इतनी प्यारी पॉजिटिव वाइब्स हैं, और मैं सोया ऐसे हूँ कि मुझे कुछ। अच्छा, अभी ये सैम मैम कौन है ये भी तो पता होना चाहिए ना सबको। सब तो सैम मैम ये है कि ये इनकी वाइफ है जी, तो वो सैम मैम बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना प्यार से सैम मैम का फोन आया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि नींद कैसी आई, तो वो सारी चीजें रियली सैम मैम अब सुनते होंगे, तो रियली यहाँ पे पीस है, बहुत शांति है, एकदम अच्छा है, और रूम में ऐसा लगता है कि टीवी भी ऑन करने का मन नहीं करेगा। सच में बिल्कुल ये फैक्ट है।
और मुझे यहाँ पे ये जो मैं कल रात से लेके और अब आज शाम हो गई हमारी 7 बज गए अभी निकलते निकलते, लेकिन ये जो वक्त है वो इतना प्यारा गया मैं बता नहीं सकता। और इसलिए मेरा बहुत दिल था कि मैं सबको बताऊं, क्योंकि जब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तभी इतना पॉजिटिव होता है, जब ओनर इतने अच्छे हों और सबका इतना ध्यान रख रहे हों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे आके मंदिर में मत्था टेक रहे हैं इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जिसके पास पैसा भी कम हो वो भी यहाँ पे आ सकता है, जैसे मनी है ना तो यहाँ पे आपका पैसा सेव हो रहा है, दैट इज ये वैल्यू फॉर मनी। तो मैं ये बोलूंगा यहाँ पे मनी लिखा है ना ऊपर वैल्यू फॉर मनी भी होना चाहिए। और ये बहुत ही प्यारा अमेजिंग होटल, अमेजिंग मैडम, अमेजिंग स्टाफ और बहुत बहुत अच्छा। तो आज हमें जो दर्शन करवाने वाले हैं मंदिर में वो विजय मैडम कराने वाली हैं। विजय मैडम स्पेशल आई है नासिक से, शिरडी आई हैं। जैसे उनको पता लगा कि हम लोग यहाँ पे हैं तो एक्चुअली मैंने डेट्स कंफर्म नहीं की थी, तो विजय मैडम आई हैं अभी और हमें अभी दर्शन करवाने वाली हैं। होटल पर पहुँच चुकी है, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे, अब हम यहाँ से जाएंगे दर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच विजय मैडम, आप इतनी दूर से आए दर्शन कराने के लिए। थैंक यू सर, आप यहाँ तो मिल गया है ना मुझे आपको मिलने का। एक्चुअली सरप्राइज था सबके लिए, मैंने अभी इतना रिवील नहीं किया सबको। आज 9 तारीख को जैसी वीडियो गई है उसके बाद में मैडम वहाँ से निकले और आज यहाँ पहुँचे। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से मंदिर, साईं बाबा मंदिर जाएंगे हम लोग। मैं पहले भी यहाँ पे आया था लेकिन मैं मंदिर मत्था नहीं टेक पाया था, मेरा यहाँ पे शो था। तो आज हम लोग जाने वाले हैं साईं बाबा मंदिर, वहाँ पे विजया जो है उनकी फैमिली मेम्बर हैं तो वो आज हमें दर्शन करवाने वाले हैं। वहाँ पे वो वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, शूट की वजह से थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ा वहाँ पे। और अभी हम लोग सीधा पहुँचेंगे टेंपल। ये साइकिल से गया मैं यहाँ से, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो जो शिरडी है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बनाया है यहाँ पे। जब पुलिस वालों को पूछा कि गाड़ी की पार्किंग कहाँ करें तो उन्होंने बताया यहाँ से यू टर्न लेकर के सामने पार्किंग है। तो हम लोग वहाँ पे गए और गाड़ी की पार्किंग, ये मूर्ति देख रहे हैं आप साईं बाबा की, बहुत ही प्यारी मूर्ति बनाई है यहाँ पे। तो हम लोगों ने गाड़ी की पार्किंग यहीं पे की है, यहाँ पे ये सामने पार्किंग एरिया ही है और यहाँ पे 200 रुपीज़ उन्होंने गाड़ी की पार्किंग के लिए। और ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत पॉजिटिव है, बहुत शांत है। मंदिर बहुत प्यारा था वहाँ पे अंदर, टेंपल में वीडियो शूट अलाउड नहीं था लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं दर्शन करके आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, बहुत खुले दर्शन हुए, हालांकि अभी इतनी भीड़ नहीं है वहाँ पे, बट बहुत ही खुले दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे प्रसाद घर है तो फिर हम लोग प्रसाद घर पे गए। वहाँ पे मुझे देखना था कि कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रसाद है सबके लिए, तो हम लोग प्रसाद खाने जाएंगे यहाँ से अभी। ये मंदिर है पूरा फुल मंदिर, बहुत बड़ी जगह पे है, यहाँ पे जो मंदिर बनाया हुआ है बहुत बड़ी जगह है। देख रहे हैं आप कितना बड़ा मंदिर है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे होगा। मुझे लग रहा था कि मंदिर होगा लेकिन इतना बड़ा होगा, अभी तो और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे मैंने देखा था। तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत प्लान्ड है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे और हम लोग प्रसाद घर जाने वाले हैं और उसके बाद में फिर मैं साइकिलिंग शुरू करूँगा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं बारिश हो चुकी है यहाँ पे। मेरा प्लान ये था कि मैं मंदिर मत्था टेकने के बाद में फिर साइकिलिंग शुरू करूँगा, लेकिन यहाँ पे बारिश हो गई तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ से हम लोग को जाना था औरंगाबाद, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे 10 बजे मैं रात को स्टार्ट करूँगा थोड़ी साइकिलिंग, और साइकिलिंग करते करते थोड़ा आगे तक 50 किलोमीटर्स तक जाऊँगा और उसके बाद में फिर मैं गाड़ी में बैठ के औरंगाबाद तक पहुँचूँगा। लेकिन बारिश की वजह से मैं अभी सीधा गाड़ी में ही जाने वाला हूँ। बाकी जाने से पहले एक बार आपको जो प्रसाद घर है जहाँ पे रात का दोपहर का खाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले आपको वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये पूरा शिरडी है, देखो आप कितना प्यारा बनाया हुआ है,
दिस इज सो सो ब्यूटीफुल। ये देख रहे हैं, यहाँ से टर्न लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, ये लेन के अंदर है, मंदिर से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे इसी लेन में जाके राइट साइड पे प्रसाद घर है, तो वहाँ आप देख रहे हैं कितना बड़ा इन्होंने बनाया है, टेबल चेयर सब लगाए हुए हैं यहाँ पे, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सबसे बड़ी बात है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हैट्स ऑफ टू देम। यहाँ पे डेली इतने हज़ारों लोग आते हैं, सबके लिए प्रसाद बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, प्रसाद सब ने खा लिया था यहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स ने, और इसके बाद में अब हम लोग निकलते हैं आगे। बारिश हो रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और मुझे था कि मैं साइकिल चलाने वाला हूँ इसलिए मैंने प्रसाद भी नहीं खाया, ये सोच के कि अभी मुझे अगर मैंने प्रसाद खा लिया मतलब खा के आप साइकिलिंग नहीं कर सकते, उसमें गैप होना चाहिए, प्रसाद तो खाया नहीं, और बस यहाँ के दर्शन किए सब जगह के, बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यारा, शिरडी इज़ ब्यूटीफुल। मैं आप लोग सबको बोलूँगा आप लोग ज़रूर आओ यहाँ पे शिरडी में, आकर के बिल्कुल दर्शन करो, जगह बहुत अच्छी है। जिस होटल में मैं रुका था वो भी बहुत प्यारा होटल था, बहुत ही पीसफुल था, तो आप लोग वहाँ पे भी आएँ, उस होटल में रुके, 3 किलोमीटर दूर है साईं बाबा मंदिर से, हार्डली 3 किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आओ। सो अभी बज गए हैं रात के 10 और हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से शिरडी से मंदिर में मत्था टेक लिया हम लोगों ने, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बारिश आ रही है तो अभी साइकिलिंग नहीं करने वाला, साइकिल हम लोग ने रख दी है गाड़ी में ही, और जहाँ पे बारिश होगी बंद वहीं पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारी साइकिलिंग। तो रात को थोड़ी देर तो करने वाला हूँ, आज थोड़ा वेदर ख़राब हो गया और मंदिर में मत्था टेका तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग गया, सो जैसी बारिश बंद होगी तो फिर उसके बाद में साइकिलिंग।